तो अभी बाइक हो चुका है स्विच, तो इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने का बाद खाली देखो गाइस कैसा डाउन है यहाँ पर। बाप रे बाप, यहाँ पर ब्रेक पकड़ पाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्लोक्स वर्ल्ड। तो आज है सुबह सुबह का दिन और मेरा हेलमेट में एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि है आपका जो मतलब मेरा जो माइक अडाप्टर है, माइक अडाप्टर तो ठीक जगह पे वो उलान जी के इसके अंदर में, लेकिन जो माइक है वो मेरा यहाँ पर आता है। तो क्या हो रहा है, जितना भी सांस का आवाज़ है वो सारा मतलब रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो जिसमें एडिटिंग का टाइम पे उतना एडिट करना मैंने प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो पिछला बार मेरे को राहुल ने सेट करके दिया था, इस बार भी राहुल ही सेट करके देगा। तो एक उसको सेट भी कर लेंगे वो बहाना से, और एक छोटा सा राइड भी हो जाएगा। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और अभी बज रहा है सुबह का सात बजे, ऐसा कुछ धूप है, तो धूप ऑलरेडी निकल चुका है। तो गर्मी तब तक नहीं बढ़ता जब तक 10 साढ़े 10 बजे तक गर्मी चालू हो जाता है। तो जब तक ना गर्मी चालू हो तब तक एक छोटा सा राइड भी मार लेंगे और अपना हेलमेट भी सेटअप करके आ जाएंगे। तो राहुल जस्ट अभी फ़ोन करके बोला कि वो घर से निकल रहा है, तो जैसे वो निकलेगा मैं भी यहाँ से निकलूँगा, फिर हम लोग मीट करेंगे हीरो शोरूम के पास और उसके बाद अपना राइड चालू करेंगे और कहीं ना कहीं जाके अपना उसको सेटअप भी कर लेंगे और एक छोटा सा राइड भी मारना हो जाएगा। बहुत दिन हो गया उसके साथ राइड भी नहीं किया, काफ़ी मतलब दिन हो गया, मतलब 3-4 महीने हो गया उसको, मतलब वो नेपाल चला गया था राइड करने, फिर मैं भी अपना काम में व्यस्त हो गया था तो राइड हुआ नहीं। तो चलिए आज एक राइड भी मान लेंगे और साथ में थोड़ा मतलब अच्छा से हेलमेट भी सेटअप कर लेंगे और थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेंगे दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत सालों से का दोस्ती है हम लोगों का। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और घर से निकलते हैं और आज मोटो ब्लॉगिंग होगा, तो चलिए चलते हैं। 1 2 3 1 2 3 चेक चेक चेक। तो चलो गाइस सब निकलने का टाइम हो गया है, राहुल भी घर से निकल गया है तो हम लोग भी निकल चलते हैं। तो मेरे को फ्यूल अप भी करवाना होगा, एकदम फ्यूल नहीं है। तो एक कोल्ड स्टार्ट के साथ स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो मैं पहुँच गया अभी वेटरन पेट्रोल पंप, तो यहीं पर राहुल आ जाएगा, तो मैं अपना पेट्रोल भरा के यहीं पर वेट करूँगा, वो आ जाएगा तो फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये होता क्या है कि एक साथ जितना जल्दी एक साथ हो जाए मीटअप करके उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ खड़ा हो वहाँ खड़ा हो। तो यहाँ से फ्यूल ले लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। पहुँच गया अपना लोकेशन पे और ये मेरा बाइक है और मैं वेट कर रहा हूँ राहुल के लिए, जो कि आ गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रहा मास है, आ गया है। अरे बाप ये देखो, अमीर इंसान, ओ भाई साहब अकेले को लगा रहा इसमें। तो मेरा पास एक ही फोन है ना, दूसरा कुछ स्टिकरिंग करवाऊंगा। नहीं लेकिन ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। नहीं नियॉन सारा फेड हो गया ना। हां तो पेपर का क्वालिटी का। तो राहुल आ गया और अपना व्लॉग बना रहा है, वो भी हम लोग भी बोल रहे हैं। एक छोटा सा ड्रॉप करेंगे वेलकम टू आसनसोल से एक कल्ला मोड़ तक, फिर कल्ला मोड़ क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद कल्ला मोड़ से फिर जुबली तक ठीक है चलेगा। कल एक काम करेंगे वेलकम टू आसनसोल से कल्ला तक, क्योंकि रास्ता बहुत सही है, तो उसमें आप मेरा वाला राइट कीजिएगा, आपका वाला मैं राइट करूँगा और उसके बाद मैं अपने बाइक में आप अपना ठीक डन। देखिए दोनों तरफ से बता रहे हैं, एक तरफ से तो आपको जितना ही है। अच्छा ठीक है, मेरा बाइक हो या आपका बाइक हो, एक एक दो ड्रैग होगा, एक एक पूरा सर्विसिंग है ना, ब्रेक काम नहीं कर रहा। अरे तब तो कैसे होगा। मेरा मेरा दोनों काम करता है। तो यहाँ से निकल रहे हम लोग, तो इसने मेरे को सुबह सुबह एक चैलेंज दे दिया कि एक ड्रैग रेस करेंगे जिसमें पहले आप चलाओगे मेरा बाइक और उसमें जीतना होगा, या तो फिर अपना अपना बाइक चलाएंगे उसमें जीतेंगे और उसके बाद वो हेलमेट सेटअप करेगा।
तो इससे जीत पाना मुश्किल ही है, नामुमकिन है इससे जीत पाना, क्योंकि ये गंदा नहीं टानता लेकिन अच्छा टानता है और बहुत ही बढ़िया टानता है। तो पहुंच गए हैं अपना वेलकम टू आसनसोल वाला जगह। बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है भाई, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल, ठीक है ओके। बोला जा रहा है कि गाड़ी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो जीतने ही वाला है, क्योंकि मैं सेफ चलाने वाला आदमी हूँ, मैं टाना टानी नहीं करता, मेरे को आदत नहीं है ये सब करने का, इसलिए मैं तो टानूंगा नहीं। और इसको सुबह सुबह इसका लग गया, ए सुबह सुबह लग गया इसका, सुबह सुबह इसको लग गया। तो अभी बाइक हो चुका है स्विच, तो इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने का बाद खाली मेरे को लगता है मीटर ही दिखने वाला है और कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर ये मेरा पोजीशन रहा तो हाँ खाली मीटर दिखेगा। हाँ रेडी, तो चलो हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं जीत गया। तो ये होता है स्मार्ट मूव। मैंने थोड़ा सा स्मार्ट मूव किया लेकिन बाइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसको अगर आप लोग लेते हो तो थोड़ा ध्यान से चलाना, ठीक है। तू जीत गया भाई, तू जीत गया, नहीं नहीं तू जीत गया भाई, तू जीत गया, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे ही होता है, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पीछे था लेकिन जीता कौन, लेकिन दोनों बाइक इतना अच्छा लग रहा है ना आज देखने में, बाप रे बाप, बहुत बढ़िया फ्रेम, ये फ्रेम बहुत मतलब दिनों के बाद हम लोगों को मिला। पहले हम लोग ऐसे राइड करते थे जब हम लोग यूट्यूबर नहीं थे, बहुत राइड किया हम लोगों ने, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो फिर भी वही जीतने वाला है, लेकिन फिर भी एक ट्राई तो करना बनता है। तो मेरे को उतना ये सब रेस वेस करने का मेरे को आदत है नहीं, तो मैं इसलिए हमेशा सेव ही चला रहा हूँ, मैं 70 को ऊपर स्पीड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन उसका बाइक में मैंने ले लिया क्योंकि उसका बाइक बहुत ये है, फास्ट बाइक है, तो उसमें आसानी से 100 में चला जा रहा था, 100 पार कर रहा था। मैंने एक्सलेटर उतना दिया ही नहीं, मैं एक्सलेटर का हमेशा ऐसे करके रख देता हूँ। तो हम लोग का ये डिसीजन हुआ है कि मैं अभी आगे निकलूँगा क्योंकि मैं टान नहीं रहा था, तो इसको पता चल गया वो चीज़। और ये क्या करने वाला है कि 10 तक गिनेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा, लेकिन वही जीतेगा, जीतने का वो नहीं है, वही जीतेगा। माइथन के अंदर पहले आएगा कल्याणेश्वरी मंदिर और अपना वनम करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे डैम की तरफ, तो देखा जाए क्या होता है। अभी तो सिर्फ इतना पता है कि डैम तक ही जाना है और डैम में जाके अपना माइक का भी सेटअप कर लेंगे, क्योंकि माइक बार बार बात करने जा रहा था, माइक मुंह के अंदर घुस जा रहा है, वे बैक में टेस्टिंग भी हो जाएगा माइक का, तो दोनों ही तरफ से हम लोगों को सुविधा है।
अभी मैंने पार किया कल्याणेश्वरी मंदिर, और कल्याणेश्वरी मंदिर का ये बैक वाला साइड है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अगर दिखा पाया तो। ये वाला जगह है बैक वाला साइड, तो प्रणाम कर लेते हैं, जैसे आए थे वैसे ही अगर चल जाए तो अच्छा है। चलिए चलते हैं। ये थोड़ा सा पहाड़ था जो हम लोग चल दिए, थोड़ा सा पहाड़ तक तो आ ही गया। अभी नीचे आप लोग देख सकते हैं, नीचे ऐसा है कुछ, हम लोग सीधा पहाड़ चढ़ रहे हैं, हल्का सा पहाड़ है, ज़्यादा नहीं। अरे बाप रे बाप, इतना टूटा हुआ रोड, बाप रे बाप, कमर दर्द हो गया मेरा, कमर व दर्द हो गई। तो हम लोग माइथन डैम घुस गए, ये साइड में आप लोग देख सकते हो डैम है, और यहाँ पर थोड़ा खड़ा होंगे, यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, वो आएगा तभी निकलूंगा मैं आगे। तो अभी हम लोग थोड़ा डाउन में नीचे जाएंगे। बाप रे, ये वाला डाउन तो बहुत ही रिस्की वाला डाउन है। हाँ, यही वाला। तो देखो गाइस कैसा डाउन है यहाँ पर, बाप रे बाप, यहाँ पर ब्रेक पकड़ पाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लो, मैंने घुमा ही नहीं पाया, मैं इधर से घुमाएगा। तो अभी टाइम हो गया पहाड़ चढ़ने का, तो चलो चढ़ते हैं पहाड़। इतना तो पहाड़ हम लोगों का हैबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग एक राइड मारने वाले हैं जो कि बहुत ही बड़ा राइड होने वाला है, उसमें पहाड़ी पहाड़ दिखने वाला है आप लोगों को। स्पीड ब्रेकर दे दिया तो अच्छा हो गया थोड़ा। अभी हम लोग थोड़ा आगे तक जाएंगे और जाके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, तो उसके लिए हम लोग आगे जा रहे हैं, तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आज का राइड अच्छा लगे, और ड्रैग रेस वाला जो राइड था हम लोगों का, तो वो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, तब जब भी मैं ऐसा अच्छा अच्छा वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपडेट हम लोग जल्दी जल्दी ऑन द गो ही कर दे रहे हम लोग इंस्टाग्राम में अपलोड, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मेरा, तो मैं आप लोगों को सीधा मिलूंगा घर पहुंच के, क्योंकि सेम ही रोड होने वाला है, तो वो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दिखाने लायक कुछ मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी भी डाउन हो चुका है, ओनली 13% चार्ज है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा मैं मिलता हूँ आपको घर पर, और अगर रास्ता पर कुछ दिखाने लायक रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए चलते। ये देखो गाइस क्या कर रहा है ये आदमी, इसको बोला जाता है छपरी राइडर, जिसको राइडिंग आता ही नहीं है। तो गाइस ये हम लोग घुस चुके हैं आसनसोल तरफ, और ये हम लोग का एसी आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं आ गया हूँ वापस अपना घर, और राहुल जस्ट यहीं से अभी लीव किया, तो वो गया अभी
हीरो शोरूम या कुछ और भी, उसको बहुत सारा काम था। हीरो शोरूम बोल रहा, यामा शोरूम किया तो उसको बहुत सारा काम था। तो मेरे को मेरा हेलमेट का जो माइक है तो वो उसने लगा दिया, तो एकदम अच्छा से हो गया। तो गाइज मेरे को कुछ बोलना था, इसलिए मैंने अभी फिर से इसको एंड करने का सोचा, नहीं तो मैं रास्ते में एंड कर चुका था। तो मैं ये जो राइडिंग या रेसिंग, मैं राइडिंग को प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक राइडर हूँ। तो मैं राइड करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, घूमता हूँ, मोटर व्लॉगिंग करता हूँ, तो उसको मैं प्रमोट करता हूँ। और जो चीज मैं प्रमोट नहीं करता वो चीज है रेसिंग। तो आज उसने जो रेसिंग का मेरे को छेड़ दिया कि रेसिंग करना है, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मैंने 70, 80, 90 के ऊपर स्पीड नहीं लिया। 100 के बाद जो स्पीड होता है वो नॉर्मल नहीं जाता, वो एबनॉर्मल बन जाता है। तो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 100 के ऊपर स्पीड लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करता। मैं खुद भी 100 के ऊपर चलाता हूँ बाइक या गाड़ी, कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे को खुद को पता होना चाहिए कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। तो हम लोग राइडर हैं, हम लोग राइड करते हैं, हम लोग बहुत सारा जगह घूमते हैं, हम लोग रेस नहीं करते। इसलिए मेरे को रेसिंग का कोई नॉलेज, रेसिंग का मेरे को छेड़ दिया कि रेसिंग करना है। तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मैंने 70, 80, 90 के ऊपर स्पीड नहीं लिया। 100 के बाद जो स्पीड होता है वो नॉर्मल नहीं जाता, वो एबनॉर्मल बन जाता है। तो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 100 के ऊपर स्पीड लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करता। मैं खुद भी 100 के ऊपर चलाता हूँ बाइक या गाड़ी, कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे को खुद को पता होना चाहिए कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। तो हम लोग राइडर हैं, हम लोग राइड करते हैं, हम लोग बहुत सारा जगह घूमते हैं, हम लोग रेस नहीं करते। इसलिए मेरे को रेसिंग का कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है, और मेरे को आइडिया करना भी नहीं है क्योंकि मैं रेसर नहीं हूँ। अगर मेरे को रेसर होना चाहिए था तो फिर मैं स्पीड वाला बाइक लेके रेसिंग ट्रैक पे जाकर रेस करता। ये इंडियन रोड्स पे रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ठीक है, बस यही मेरे को बोलना था। और एक चीज ये है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं अपना मम्मी को बोल के निकलता हूँ कि माँ आमी आसछी, बंगाली में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाता है कि माँ मैं आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ का मतलब है मम्मी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और घर लौट के आऊंगा। अगर मैं इंडियन रोड्स पे जाके ये सब रेसिंग वेसिंग करता हूँ, जो कि मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, मैं सेफ ड्राइव सेफ लाइफ पे विश्वास करता हूँ और मैं उसको भी करता हूँ। मैं स्पीड में भी चलाता हूँ, लेकिन स्पीड में भी मेरा बाइक सीधा ही रहता है, मैं कभी ऐसा ऐसा नहीं करता है, लेकिन बहुत सारा यूट्यूबर्स करता है। तो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारा यूट्यूबर्स करता है रेसिंग और उसको चैनल पर डालता है। उस चैनल को देखने के बाद बहुत सारा जो मैंने लड़का लोग है उसको देख के फिर वो उसको कोशिश करता है, फिर हाईवे में कोशिश करता है, कुछ कुछ लोकल रोड में भी कोशिश करता है, फिर उसमें एक्सीडेंट होता है, उसका तो जाता ही है। वो उस मम्मी पापा का बारे में आप लोग सोचिए कि उसका बेटा चला गया, उस साथ में किसी और को भी लेके जाएगा। तो मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ। तो मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी बाइक चलाइएगा हेलमेट पहनिएगा, क्योंकि आपका अगर पूरा बॉडी टूट जाएगा तो वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन अगर सर में कुछ होता है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता है। तो हमेशा हेलमेट पहनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा ऐसा अच्छा वाला हेलमेट पहनने का, वो 300, 400, 250 रुपये वाला हेलमेट, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, वो पुलिस से बचने के लिए हेलमेट होता है और कुछ नहीं उसमें। बस इतना ही बोलना था। तो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन साइनिंग ऑफ श्लोक्स वर्ल्ड, बाय बाय। और अभी आपको थोड़ा कोलकाता वाला सीरीज आने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कल या परसों करके कोलकाता। तो कोलकाता जाएंगे, धूम मचाएंगे। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना एकदम मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।